हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज अपूर्वा एंड अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माई चैनल। मैं यहाँ पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आर्कएंजल मेटाट्रॉन। हम इनकी हेल्प किस किस सिचुएशन में ले सकते हैं, कैसे कैसे हमारी हेल्प कर सकते हैं, ये हमारे आसपास हैं, इनके क्या साइंस हैं, तो आज हम लोग यही सारी बातें जानने वाले हैं। सो हम बेसिकली बात करने वाले हैं इन डिटेल आर्कएंजल मेटाट्रॉन के बारे में, ठीक है। सो बेसिकली ये जो आर्कएंजल है, इन्होंने अपनी लाइफ एज अ ह्यूमन यहाँ पे काटी है, यहाँ पे निकाली है। ऐसे दो आर्कएंजल्स थे जिनमें से एक हमारे आर्कएंजल मेटाट्रॉन है। सो बेसिकली आप इनकी हेल्प ऑलमोस्ट किसी भी सिचुएशन में ले सकते हैं। कहीं आप स्टक हो गए हैं या फिर कुछ भी ऐसा है, आप किसी भी टाइप की विश के लिए इनकी हेल्प ले सकते हैं जो आपके लिए बेहद अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इनकी स्पेशलिटी के बारे में बात करें तो वो है नेगेटिविटी को क्लेंस करना। नेगेटिविटी यानी कि नेगेटिव थॉट्स हो गए, नेगेटिव एनर्जी हो गई, या फिर आपको लगता है आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं, फंस गए हैं, वहां से निकालने के लिए आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। कोई आपकी ऐसी हैबिट है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, सपोज करें कि आप कुछ करने का आपका मन नहीं करता, या फिर आप कुछ एडिक्शन में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ भी ऐसी चीज है, या फिर कोई भी ऐसी हैबिट है, कोई भी ऐसा पैटर्न है जो आप ब्रेक करना चाहते हैं, तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। या फिर आपके अंदर कोई ऐसे इमोशन है जो आपको अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। सपोज करें किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या फिर बहुत टाइम पहले ब्रेकअप हुआ है पर वो पर्सन वहाँ से निकल ही नहीं पा रहा है, वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा अपनी लाइफ में, तो उस केस में भी आप लोग आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प ले सकते हैं। तो बेसिकली जो आर्कएंजल है ये काम करते हैं ज्योमेट्री के साथ में, प्लस इनके पास एक बहुत ही प्यारा सा क्यूब है, मरकबा क्यूब है, जिससे कि ये नेगेटिव एनर्जी को क्लेंस करते हैं। सो अगर आप लोग ज्योमेट्री के बारे में काफी कुछ सीखना चाहते हैं तो आप इनकी हेल्प ले सकते हैं, इनकी असिस्टेंस आप इस चीज में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप लोग बहुत ही लो हैं, डल हैं, आपको लाइफ में आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, बहुत परेशान है, लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है, उस केस में अगर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आप चाहते हैं कि आपको मोटिवेशन मिले, अगर आप लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं, अपनी ग्रोथ चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी में, तो इस केस में भी आप लोग इनके साथ काम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप बहुत ही किसी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, आपको लगता है कि इस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल है, या फिर कोई भी आपने या फिर कोई भी ऐसा पर्सन है, किसी ने आपको फंसा दिया है, आप किसी सिचुएशन में हैं जहां से निकलना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, तो उस केस में भी, उस सिनेरियो में भी आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस रखना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप आर्कएंजल मेटाट्रॉन की हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चक्रास के साथ भी काम करते हैं, बैलेंसिंग के काम में भी ये बहुत एक्सपर्ट है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आप लोग लाइफ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इट कैन बी रिलेटेड टू लव, मनी, जॉब, फिर कोई भी ऐसी चीज जिसमें आप चाहते हैं कि आपको मौके मिले, अपॉर्चुनिटीज आए, अपॉर्चुनिटीज को आप मैनिफेस्ट करने के लिए भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। सपोज करें आप लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैरिज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आप उस केस में भी इनकी हेल्प ले सकते हैं। सपोज करें जॉब है, आपको बहुत टाइम से ऑफर नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आई ही नहीं रही है, तो उस केस में भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, इनवोक। इनवोक कैसे करना है आर्कएंजल मेटाट्रॉन को। पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारे एंजल्स होते हैं, भगवान होते हैं, स्पिरिट गाइड्स होते हैं, ये सब लोग जो है वाइब्रेशनल बीइंग्स हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमारी बातें जो है वाइब्रेशंस में ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप बहुत अच्छे से उनसे कनेक्ट करते हैं, लव के साथ उन्हें कॉल आउट करते हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी हेल्प के लिए आएंगे। तो सपोज करें अगर आप लोग इनकी हेल्प लेना चाहते हैं, लविंग एनर्जी के साथ कॉल करें कि हे आर्कएंजल मेटाट्रॉन प्लीज कम, ऐसे करके आप अच्छे से उनको 3 बार कॉल करें। आप चाहे तो मल्टीपल टाइम्स भी और कॉल कर सकते हैं, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है। सिंपली इनको कॉल करना है, लव के साथ कॉल करना है, पूरे इमोशंस के साथ, ट्रस्ट के साथ कॉल करना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ एनर्जी शिफ्ट्स को एक्सपीरियंस करें, ठीक है। साथ में मैं इनकी प्रेयर भी शेयर कर रही हूँ, आप चाहें तो इनकी प्रेयर जो है ये आप देख सकते हैं। तो ये जो प्रेयर है, आप ये प्रेयर बोल के भी इनको इन्वोक कर सकते हैं, बहुत प्यार से इनकी प्रेयर बोली एंड डेफिनेटली वहां आ जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, इनका फेवरेट कलर क्या है, दैट इज डार्क पिंक। सिजल की बात करें, ये इनका सिजल है, आप इनके स्पेल्स में सिजल का यूज कर सकते हैं, दिस इज हिज सिजल। अगर आप चाहें तो इन्हें स्पेल्स में यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ भी आप करते हैं टेक्निक्स वगैरह, उस केस में भी आप लोग सिजल का यूज कर सकते हैं, इसके बहुत मल्टीपल यूजेस हैं, बट हाँ ये इनका जो है सिजल है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन जो है वो आपके आसपास है या नहीं है, कैसे पता लगाएं। तो फर्स्ट साइन इनका ये है, आर्कएंजल मेटाट्रॉन
बार बार आपको इनका नाम कहीं से भी किसी फॉर्म में सुनाई दे रहा है। टीवी देख रहे हैं वहां पे नाम किसी ने बोल दिया, आप कहीं जा रहे हैं वहां पे किसी ने आपको नाम बोल दिया, आपको अपने आप से नाम सुनाई देने लग गया। कभी अगर आप कोई न्यूज सुन रहे हैं वहां आपको इनका नाम दिख गया, सपोज करें आप न्यूज पेपर पढ़ रहे हैं वहां पे आपको नाम दिख गया इनका, तो अगर ऐसा हो रहा है तो समझ जाए कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके आसपास है, वो आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड साइन इनका क्या है, आपको हर जगह इनके आर्टिकल्स दिख रहे हैं, इनकी पिक्चर्स दिख रही हैं सोशल मीडिया पे, जहां आप जाते हैं आपको आर्कएंजल मेटाट्रॉन दिख रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको उसका थंबनेल दिखा, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस, ये भी इनका ही एक साइन है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपसे कम्युनिकेट या फिर आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट इनका साइन ये है कि आपको व्हाइट लाइट बहुत दिखना स्टार्ट हो जाए, आपको अपने आप से अपने आसपास कुछ व्हाइट लाइट कुछ एनर्जी से फील हो, या फिर सपोज करें आपको बंद रूम में व्हाइट लाइट्स दिख रही है, या फिर आपको लगता है कि कुछ व्हाइट लाइट है आसपास, कुछ ऐसा आपको व्हाइट लाइट दिखना स्टार्ट हो जाए, उस केस में समझ जाइए कि आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको 1111 दिखना स्टार्ट हो जाए। ये नंबर आई नो बहुत फेमस है, बहुत अमेजिंग है, अगर आर्कएंजल मेटाट्रॉन आपके आसपास है तो आपको 1111 बहुत दिखने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको ज्योमेट्रिक शेप्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि मरकबा है जैसे मैंने बोला आपको, तो आपको ज्योमेट्रिक शेप्स हर जगह दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ना व्हाइट लाइट में कुछ पैटर्न दिखने स्टार्ट हो जाए, मे बी धूप में आप देख रहे हैं या कुछ पैटर्न आपको बनने स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, समझ जाए कि ये इन्हीं का ही साइन है। अगर सवाल आता है इनकी हेल्प कैसे लेनी है, आपने क्या करना है, सिंपली ने 3 बार कॉल करना है, फीलिंग्स के साथ आपने कॉल करना है इनको, फिर ये प्रेयर बोलनी है, उसके बाद आपने अपनी जो भी आपकी विश है उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर देना है। विजुलाइज करते रहें, इमोशंस को ऐड करें, जो आप चाहते हैं, जो भी आप चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको मन में विजुलाइज करें, सोचिए कि वो चीज हो रही है, उसके बाद आर्कएंजल मेटाट्रॉन को थैंक यू बोले एंड दैट इज इट। ये आपका सिंपल सा रिचुअल हो गया है, डेली आप 9 डेज तक अपनी जो विश है वो ऐसे ही विजुलाइज करनी है प्रेयर बोलने के बाद में, एंड दैट इज इट, सेम टाइम पे काइंड ऑफ नोवेना टाइप। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हैं, अदरवाइज इनके बहुत से तरीके हैं, मैं डेफिनेटली आने वाली वीडियोज में इनसे कैसे कनेक्ट करते हैं इनसे और कैसे तरीके से हेल्प ले सकते हैं वो डेफिनेटली मैं शेयर करने वाली हूँ। सो यार, आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल पर ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, आई लव यू एंड बाय।